जंगल चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है आज हम लोग ने देखी गदर। 22 साल के बाद दोस्तों हमारे जो एक्सपर्ट सूर्या सर जो है मौजूद हैं, उन्होंने भी देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। चलिए उनका ओपिनियन जानते हैं। कैसे हैं सर? अशोक सर, मैं बहुत वक्त से इस फिल्म का इंतजार कर रहा था थिएटर में देखने के लिए। मैं चाहता था कि गदर देखूं गदर 2 से पहले। अच्छा, लेकिन आपकी तरह हम गाई थे, सब लोग बोलते हैं यार थिएटर में क्यों देखे, हमारे तो घर पे देख चुके हैं, मोबाइल है ये मोबाइल क्यों देखे। हाँ, लेकिन दोस्तों मैंने आज कुछ अलग सोचा और अशोक सर से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा यार चलो देखते ही है। हाँ, तो इन्होंने तो मज़ा पहले थिएटर में लिया था गदर का, लेकिन मैंने आज जो देखा ना, मैं कह सकता हूँ जितना मोबाइल या टीवी में मैंने इंजॉय किया 2002-03 में जब पिक्चर देखा था पहली बार मैंने ये फिल्म, मज़ा आया था। और आज मुझे उसका 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मज़ा आया अशोक सर, मज़ा आया। सनी देओल जब दहाड़ते हैं और पूरी पाकिस्तानी जो आर्मी जब पीछे मुड़ जाती है यार, क्या ऑडियो क्या वीडियो क्या डायलॉग है, दिल से मजा आ गया सर। ऐसी पिक्चर ना बननी चाहिए आज के टाइम पे, जो बनती नहीं है। उसके बाद लोग बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, ढंग की पिक्चर बनाना सीखो। अनिल शर्मा से कोई सीखो, सनी देओल से कोई सीखो यार, सनी देओल को यार क्या यार क्या मूवी में जाके बैठो। और सनी देओल का इसका सीक्वल पहले ही बना देना चाहिए था ऐसा लगता है। क्या पिक्चर है, बहुत मजा आया अशोक सर। मतलब मेरे पास जितना शब्द है ना वो कम है, मैं इसका रिव्यू कर ही नहीं सकता, इतनी कमाल की पिक्चर है। म्यूजिक में एक नंबर है, एक्शन में एक नंबर है, लोकेशन एक नंबर है, पैसा खर्चा किया गया, अमीषा पटेल का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, सही तरह परफॉर्मेंस अच्छा है, अमरीश पुरी एज अशरफ अली का रोल अच्छा है, सब चीज़ें अच्छा है यार। मैं क्या बोलूँ इस पिक्चर के बारे में, मतलब पार्टीशन भी सबसे बेस्ट पिक्चर है। हम आपके है कौन के बाद ही सबसे बड़ी हिट है बॉलीवुड की कमाई के मामले में। 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसको 2001 में देखे, जब कोई प्रमोशन सिलसिला था नहीं, जब कोई अलग अलग शहर में घूम के प्रमोशन नहीं करे, तब की पिक्चर है भाई। और लगान के साथ क्लैश हुई थी, उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म है यार, उसके बारे में क्या कहा जाए सर, क्या कहा जाए। मैं तो सोचता हूँ उस समय जब लगान और ये रिलीज हुई होगी तो क्या धमाका हुआ होगा सर। आपने धमाका क्या, वो तो पूरा ब्लॉग सब जगह पे मतलब हाउसफुल थे, दो दो तीन तीन तक टिकट नहीं। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ 500 रुपया भी अगर इसके लिए खर्च करो ना आपका पैसा वसूल है। हाँ वो तो है, सही आप बोल रहे हैं। तो आपको मूवी अच्छी लगी वापस? देखिए मैं आपको मेरा रिएक्शन बना रहा है, पहले पब्लिक का बताता हूँ। जब सनी देओल को पूछते ना बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोले जिंदाबाद, बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो उसके बाद जो दहाड़ते हैं ना हिंदुस्तान ना मुर्दाबाद था ना कभी रहेगा तुम्हारा, असल पाकिस्तान हिंदुस्तान से बना, वो जो सही सब तालियां सीटी बजाए थिएटर में, मतलब ये होता है दम। हाँ। एक पिक्चर को 100 बार देखा जाए उसके बावजूद अगर लोगों में इंजॉयमेंट है, सीटी तालियां बजाए, तो मैं सर 3 घंटे की पिक्चर हम लोग में हिम्मत नहीं होती देखने की। अच्छा। ये पिक्चर 2 घंटा 50 मिनट की पूरी पिक्चर देखा, देख के उठा दिल खुश हुआ। अच्छा। और पब्लिक सीटी या तालियां बजाई थी, पब्लिक बैठी थी शांत में, पिक्चर इंजॉय करी थी, पिक्चर इंजॉय करी थी, मोबाइल दूर रखी थी, ये बहुत कम होता है। ये पिक्चर ने वापस से बताया कि सिनेमा क्या होता है। अनिल शर्मा सर क्या आप मतलब क्या डायरेक्टर हो यार। तो देख सकते हैं हमारे जो है सूर्या सर का कहना है कि आज जो है साथ में बैठ के हम लोग मूवी देखे, जैसे लग रहा था कि अभी हम लोग एक न्यू मूवी देख के आ रहे हैं। थिएटर की पिक्चर है, थिएटर की पिक्चर, थिएटर में देखी ही है, अब एंजॉय करो एक बार फैमिली के साथ जाओ, दिल खुश होगा आपका, पैसा वसूल भी होगा। सूर्या सर का भी कहना, मेरा कहना भी है कि आप थिएटर में ये मूवी देखो, पूरी फैमिली ऑडियंस। और अनिल शर्मा ने एक गिफ्ट दिया है सर जी, हाँ टीजर लास्ट में है गदर 2 का, उसके लिए भी आप इस फिल्म को देखिए, आपको मज़ा आएगा। और ऐसे भी पीछे और एक गिफ्ट दिया है सर, दो पे एक। हाँ हाँ, एक पे एक टिकट फ्री है, लेकिन 2 टिकट लोगे तो ही वो ऑफर वैलिड है। हाँ तो आप लोग जाइए थिएटर तक और ये मूवी देखिए। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं ये चाहूँगा कि बॉलीवुड क्रेजी और ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, जय हिंद।